डीसीपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं रेडियो के अंदाज में दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें। पहली खबर है कृषि कानून को लेकर। उत्तराखंड के किसानों ने देहरादून में किया राजभवन कूच, पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोका। कृषि कानून के विरोध में उत्तराखंड के किसानों ने देहरादून स्थित गांधी पार्क के पास प्रदर्शन किया। शनिवार को इस दौरान किसान यूनियन तोमर के पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। यहां से उन्होंने राजभवन कूच किया। अगली खबर है विकास नगर से। पुलिस ने रैली निकालकर नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाया। युवाओं में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति को देखते हुए विकास नगर पुलिस ने एनसीसी के छात्रों को भी इस रैली में शामिल किया। प्रेम प्लाजा से डाक पत्थर चौराहे होते हुए पहाड़ी गली चौक तक रैली निकाली। इस रैली में एनसीसी के छात्रों ने भागीदारी की। अपने हाथों में तख्तियां लेकर इन नारों के साथ, एक पल का नशा जीवन भर सजा ही सजा, किसी और से तो नहीं वो खुद से लड़ रहा है जो नशे से दोस्ती कर रहा है, नशा कर रहा है खराब, करो इसका मिलकर बहिष्कार। इस नशा मुक्ति अभियान रैली में क्षेत्राधिकारी विकास नगर बीडी उनियाल सहित समस्त पुलिसकर्मी मौजूद रहे। अगली खबर धर्मांतरण को लेकर। मुख्य आरोपी उमर गौतम ने उत्तराखंड के इस वीवी में की थी पढ़ाई, 5 साल की पढ़ाई, इसी दौरान स्वीकार किया इस्लाम धर्मांतरण के। मुख्य आरोपी उमर गौतम का पंतनगर कनेक्शन सामने आते ही पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने लिंक खंगलवाने शुरू कर दिए हैं। पंतनगर में रहने के दौरान उसकी 5 साल की गतिविधियों की गोपनीय जांच की जा रही है। इसके अलावा मुस्लिम बहुल क्षेत्र में उसकी सक्रियता को भी अहम मानकर खंगाला जा रहा है। अगली खबर चारधाम यात्रा को लेकर। पर्यटन विभाग जल्द जारी करेगा एसओपी। कोविड नियमों का पालन करने के लिए इस बार भी चार धामों में दर्शन के लिए यात्रियों की संख्या सीमित रहेगी। कोरोना महामारी के बीच उत्तराखंड में पर्यटन व तीर्थाटन पटरी पर लाने के लिए मंत्रिमंडल ने भी 1 जुलाई से चार धाम यात्रा शुरू करने की मंजूरी दे दी है। जल्द ही पर्यटन विभाग की ओर से मानक प्रचारण विधि एसओपी जारी की जाएगी। वहीं चार धामों में यात्री सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए 5 दिन बाकी हैं। अगली खबर है उत्तराखंड मौसम को लेकर। देहरादून समेत कई जगह आंधी और बिजली चमकने की संभावना। 4 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। शनिवार की सुबह दून में फिर चटक धूप खिल आई। मौसम विज्ञानियों ने शनिवार को राजधानी देहरादून समेत मैदानी क्षेत्रों में मौसम के बदले मिजाज के चलते आंधी के साथ बिजली कड़कने और बूंदाबांदी की संभावना जताई है। राजधानी देहरादून के साथ ही टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, अल्मोड़ा जिले में तेज हवाओं के साथ आकाशीय बिजली और बारिश की संभावना जताई है। मौसम विज्ञानियों की ओर से इन जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। तो ये आपने सुनी रेडियो के अंदाज में दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें। ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ रात 9 बजे DCP न्यूज़ पर।